कुटी अकाल तख्त पर विराजमान मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। अपनी कर्मेंद्रियों का राजा हूं। सभी कर्मेंद्रिया मेरी कर्मचारी है। अकाल तख्त पर बैठकर मैं सभी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाता हूं। अपनी कर्मेंद्रियों पर राज करने वाला मैं एक स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। अब मैं आत्मा अपने श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर स्थित होकर देह और देह के संबंधों के लगाव से मुक्त होकर वस्तु वैभव पदार्थों के आकर्षणों से भी मुक्त होकर उड़ चलता हूं अपने घर परमधाम की ओर। पहुंच जाता हूं अपने स्वीट साइलेंस होम। मैं ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा परमधाम में अपने शिव पिता के सन्मुख हूं। मुझ आत्मा की तीनों शक्तियां मन बुद्धि संस्कार इमर्ज हो रही है। मैं आत्मा अपने तीनों सूक्ष्म ऑर्गन्स मन बुद्धि संस्कारों सहित शिव बाबा के सामने हूं। अब मैं बाबा से इन तीनों सूक्ष्म ऑर्गन्स को शुद्ध और स्वच्छ बनाने के लिए पवित्रता संपन्न किरणें ले रहा हूं। महाज्योति शिव बाबा से निकली हुई ज्वाला स्वरूप शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। और इन तीनों सूक्ष्म ऑर्गन्स में समा रही है। शक्तिशाली किरणों का निरंतर प्रवाह मुझ आत्मा के मन
बुद्धि और पुराने विकारी संस्कारों का शुद्धिकरण कर रहा है। उनका रूप परिवर्तित होते जा रहा है। मन अति शुद्ध होकर शांत होते जा रहा है। मन में उठने वाली लहरें शीतल होते जा रही है। बुद्धि भी स्वच्छ होती जा रही है, पवित्र बनती जा रही है। ज्वाला स्वरूप किरणों की प्रखरता से विकारों के अंश वंश भस्म होकर समाप्त हो गए हैं। मन में सुंदर विचार जागृत हो रहे हैं। बुद्धि दिव्यता से भरपूर बन रही है। और संस्कार दैवी संस्कारों में परिवर्तित होते जा रहे हैं। मैं आत्मा बाप समान बनते जा रहा हूं। अब जो बाबा के संस्कार है वह मेरे संस्कार है। अनादि बाप के साथ मैं सहज ही अपने अनादि स्वरूप की अनुभूति कर रहा हूं। यह मेरा अनादि सो आदि देवताई स्वरूप है। आदि स्वरूप में भी मैं आत्मा पूर्णतया अपने मन बुद्धि संस्कारों का मालिक था। मैं पुनः अपने उन्हीं संस्कारों का सहज अनुभव कर रहा हूं। अब मैं आत्मा शुद्ध और स्वच्छ होकर परमधाम से नीचे उतरकर धरा पर अवतरित हो रहा हूं। और प्रवेश करता हूं अपने स्थूल देह में। विराजमान हो जाता हूं भ्रुकुटी अकाल तख्त पर। अब मैं आत्मा अपने मन
बुद्धि संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाला, उनको पूरा कंट्रोल में रखने वाला राज ऋषि हूं, स्वराज अधिकारी हूं। मेरे सिर पर विश्व कल्याण का ताज है, मस्तक पर स्वराज्य का तिलक है और गले में दिव्य गुणों की माला है। मैं स्वराज अधिकारी आत्मा अपने कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर द्वारा मन, बुद्धि, संस्कार इन तीनों सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनता हूं। जिस समय जो संकल्प व जो संस्कार इमर्ज करना चाहूं, वही संकल्प वही संस्कार सहज इमर्ज करके अपनाता हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा मन, बुद्धि, संस्कार इन तीनों शक्तियों का मालिक बनकर, स्वराज अधिकारी बनकर ही विश्व राज्य अधिकारी बनता हूं। शांति।